सिलेंट्रेटा में हमें जो पढ़ना है वह है नाइडेरिया क्लासिफिकेशन, ओबेलिया और ऑरेलिया। हाइड्रा तो पढ़ ही चुके हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम तीन उन क्लासेस के बारे में जहाँ से ये सभी एनिमल आते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा साइफोजोआ, तीसरा है एंथोजोआ। जल्दी से बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं करनी है आपको। जहाँ लगेगा कि हम बहुत तेज बता रहे हैं तो वहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजोआ की बात करें तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो वाटर, वाटर मतलब हर तरह का वाटर। तो हर तरह के पानी में जो मिल जाए यानी फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में, वो कौन होता है? हाइड्रोजोआ। तो हाइड्रोजोन्स हर जगह पाए जाते हैं। अब हर जगह पाए जा रहे हैं तो कल ही हमने बात की थी हाइड्रा की। तो हाइड्रा कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। अब एक हो गया हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में, तो दूसरा होगा मैराइन जो कहाँ पे? ओबेलिया जो मैराइन है जो समुद्र में पाया जा रहा है। तो दो तरह के जीव जान लो हाइड्रा हाइड्रोजोआ से जो पढ़ने हैं हमें। एक है हाइड्रा, दूसरा ओबेलिया। हाइड्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ओबेलिया कहाँ पाया जाता है? मैराइन है। और कैसा होता है? यह कोलोनियल होता है। हाइड्रा कैसा था? सोलिट्री था। दूसरी इनकी खास बात होती है, इनमें या तो पॉलिप की स्टेज पाई जाएगी या फिर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों ही स्टेज पाई जाएगी। तो पॉलिप स्टेज किसमें पाई जा रही थी? सिर्फ पॉलिप स्टेज हाइड्रा में। और पॉलिप और मेड्यूसा ये दोनों ही स्टेज पाई जाती हैं कहाँ? किसमें? ओबेलिया में। उसके बाद मेड्यूसा में वेलम पाया जाता है। वेलम ऐसे जो देख रहे हो ना यहाँ पे जो फाइशेलिया है, ऐसे ही भी होता है जिसे ऑरेलिया है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है ओबेलिया, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर जो किनारे वाला पार्ट होता है ना सबसे बाहर का, यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं वेलम। तो यह ट्रू वेलम इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगला देखो हाइड्रोजोआ की और एक खास बात है, मीजोग्लिया जो होती है नॉन सेलुलर होती है। तो हाइड्रा को कल हमने बताया था कि इसमें नॉन सेलुलर है, तो क्या है वो? मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद गोनाड्स जो होते हैं इपिडर्मल होते हैं, हाइड्रा में आपने देखा भी था, और ठीक ऐसे ही ओबेलिया में भी होते हैं इपिडर्मल। अब इन सबको एक बार इमेज में देख लो। यह है ओबेलिया की कॉलोनी। यह ओबेलिया की जो कॉलोनी है उसमें यह देखो, यह क्या है पूरा ये इस कॉलोनी में, यह है मेड्यूसा, ठीक है। यह जो देख रहे हो ना ये मेड्यूसा इसमें से बनता है। और यह जो है यह है पॉलिप स्टेज, ठीक है, पॉलिप स्टेज, और इसमें से निकलेगा मेड्यूसा। और मेड्यूसा का फॉर्म कुछ यूं होता है, मेड्यूसा फॉर्म। और इसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, और यहाँ पे पाया जाता है इसका माउथ, ठीक है। और यहाँ पर पाए जाते हैं टेंटिकल्स। जो खास बात है टेंटिकल्स किसकी खास बात है? नाइडेरिया की। तो सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका माउथ होता है। और इनकी खास बात क्या होती है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता होगा? पॉलिप में। हमेशा ये पॉलिप में क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। और मेड्यूसा में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी ये कहें कि अगर बड बनाने का काम या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है तो वह होता है पॉलिप में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है तो मेड्यूसा में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन इससे जो बनते हैं वो सिर्फ यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन बनेंगे। मीजोग्लिया किसमें नॉन सेलुलर होता है? तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, मीजोग्लिया किसमें नॉन सेलुलर होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हाइड्रा फ्रेश वाटर का एनिमल है या फिर मैराइन है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। और तीसरा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों ही पाए जाते हैं, ओके। अब देखो साइफोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ के जो जीव होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मीन्स कि वे सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में ही पाए जाते हैं। और जो जैसे कि ऑरेलिया को ही देख लो, यहाँ पे ऑरेलिया देख रहे हो, ये ऑरेलिया की खास बात क्या है कि यह बिल्कुल ही अकेला रहता है। अब मेड्यूसा फॉर्म इसमें खास होता है, मेड्यूसा फॉर्म ही दिखाई देता है ऑरेलिया की। दूसरी चीज इसके जो पॉलिप फॉर्म है वो दिखाई नहीं देता, या फिर लार्वल फॉर्म में ही पॉलिप फॉर्म पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म पाया जाता है, पॉलिप फॉर्म नहीं पाया जाता, या फिर पॉलिप फॉर्म पाया जाता है तो वह डोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो वह ऑरेलिया होगा या साइफोजोआ के जीव। तीसरी चीज इसमें मीजोग्लिया जो पाई जाती है उसमें फाइबर भी पाया जाता है और उसमें सेल्स भी पाई जाती हैं। हाइड्रोजोआ में मीजोग्लिया में सेल्स नहीं पाई जाती थी, फाइबर भी नहीं था, लेकिन साइफोजोआ में फाइबर भी होगा और सेल भी होगा, ठीक है।
इसके बाद जो इनका गैस्ट्रो गोनाड्स है ना वो गैस्ट्रोडर्मल होते हैं। हाइड्रोजोमा क्या था कि जब हमने कल हाइड्रा पढ़ाया था तो क्या था कि उसके जो गोनाड्स हैं टेस्टीज और ओवरीज वो कहाँ पे पाई जा रही हैं, बाहर ईपीडर्मिस में पाई जा रही हैं। देखा था ना वो कैसे ब्रेक हो जा रही थी, बाद में टूट जा रही थी वहाँ से, तो वे बाहर हैं। लेकिन साइफोजोआ के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो टेस्टीज है और ओवरीज है, वे गैस्ट्रोडर्मल होते हैं। गैस्ट्रोडर्मल का क्या क्या मतलब हुआ कि दो डर्म इसमें बाई दो डर्म होते हैं ना, एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। तो अंदर वाला जो पार्ट है गैस्ट्रोजर्म, जहाँ पे सिलेंट्रॉन गुहा जो है, सिलेंट्रॉन है, वहाँ पर पाया जा रहा है यार, ठीक है। तो इसमें से जब निकलेंगे, जब टेस्टिस से स्पर्म निकलेंगे, तो ये कहाँ पर जाएंगे, बाहर तो नहीं निकल सकते ना, क्योंकि इनकी बॉडी में सिलेंट्रॉन जो होते हैं उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही पोर होता है, माउथ या एनस, वो दोनों एक ही होता है। तो इसमें से कैसे निकलते होंगे, कहाँ जाएंगे वे, कहाँ जाएंगे, जो कैविटी है सिलेंट्रॉन की, जो कैविटी है उसी कैविटी में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइड्रोजोआ और साइफाजोआ की खास बात। अब इनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखना हो तो आप हाइड्रा को देख लेना, क्योंकि हाइड्रा की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब की हैं। जैसे कि अगर हम डर्म लेयर की बात करें तो दो होती हैं, उसमें बीच में मेजोग्लिया होता है, और इस ए पॉलिप अगर हैं तो कैसे होंगे, फिर इनमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, जो भी नेमेटोसिस्ट वगैरह जो सेल्स हैं ना, उसको मैंने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे बताया है। तो बार बार वो बता के वीडियो को बड़ा करना अच्छा नहीं है, आप उसको देख लेना। तीसरा है एंथोजोआ। एंथोजोआ भी मैराइन ही है, यह सोलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलोनी में जैसे मूंगा जानते हो, मूंगे की जो रिंग बनती है, अंगूठी पहनते हो, काफ़ी लोगों को सुना होगा, पंडित जी लोग बताते हैं, ज्योतिष लोग, कि अंगूठी पहने करो मूंगे की। तो ये जो मूंगा होता है ना, वो कोरल रीफ, काफ़ी सुना होगा कि जब प्रशांत महासागर में जब ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा है तो कोरल रीफ खत्म होने लगी हैं, कोरल रीफ जो है वे खत्म होने, वे जो कोरल है ना वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाइडेरिया से। जितने भी कोरल्स होते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाइडेरिया से। और इसमें ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब प्रदूषण बढ़ता है तो इनके सांस नहीं ले पाते, होता है ना कि क्वेश्चन लास्ट 2020 में जब पॉल्यूशन कम हो गया, काफ़ी कम हो गया कोविड की वजह से, तो कोरल रीफ में अचानक से वृद्धि देखी गई थी, एक ग्रोथ देखी गई उसमें। तो ये हुआ कि एक ग्रोथ अगर पॉल्यूशन ख़त्म हो जाए तो ये ग्रोथ इनकी फिर से बढ़ सकती है, और ये काफ़ी हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, उस इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं कोरल रीफ, ठीक है। तो ये जो कोरल होते हैं वह इसी एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं। बाकी तो आप लोग को हाइड्रोजोआ से क्या बिलोंग करता है, हाइड्रा और ओबेलिया, जो आपके काम का नहीं है, ऑरेलिया आपके काम का नहीं है, समझने की बात है, बहुत छोटे छोटे, लेकिन कोरल तो समझ ही सकते हो, कोरल रीफ जिसे वो जो मूंगे वाली चट्टान है वो है, ठीक है। तो ये तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो क्या होता है, ठीक है। अगला देखो, इनमें सिर्फ पॉलिप स्टेज ही पाई जाती है। अब इसको समझोगे कैसे, साइफोजोआ और एंथोजोआ में जो डिफरेंस है ना, कि साइफोजोआ में मेड्यूसा पाया जाता है, ठीक है, मेड्यूसा साइफोजोआ में, और एंथोजोआ में क्या पाया जा रहा है, पॉलिप पाया जा रहा है। अच्छा, अगर एक पॉलिप नहीं होता कोरल, तो वह एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता ना, लेकिन नहीं जा पाता, एक ही जगह पे रहता है, चट्टान बना लेता है। चट्टानें कैसे बनती हैं, यहाँ पर जीव एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बनते चले जाते हैं। अब मेड्यूसा फॉर्म तो इसमें होता ही नहीं है, अब मेड्यूसा फॉर्म ना होने की वजह से ये अपनी जगह को छोड़ के कहीं और नहीं जा पाते। जहाँ पर इनका गोनाड गिरता है, मतलब जहाँ पर लार्वा गिर गया, वहीं पर ये बन गए, ठीक है, तो वहीं के वहीं होके रह जाते हैं। तो इस तरह से बाद में मरते जाते हैं, इनके ऊपर नए जीव आते जाते हैं, और इस तरह से एक बड़ी सी चट्टान जैसी बन जाती है, जो इनके कंकाल होते हैं, इस मतलब कहें कि जो इनके बाहरी सेल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसके वो बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निर्माण होता है कोरल रीफ का। और सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है कहाँ पे है, कहाँ पे है, चलो इसे तुम लोग बताना, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे प्रशांत महासागर में। अब देखो, इनका जो माउथ होता है लिट्सो स्टोमोडियम से इनका माउथ खुला, जहाँ इनका माउथ खुलता है ना उस जगह को स्टोमोडियम कहते हैं, जहाँ पे इनका माउथ ओपन होता है, ठीक है। मीजोग्लिया जो होती है सेल्युलर होती है, स्टाउट होती है और सेल्युलर होती है।
गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स पाए जाते हैं। इन दोनों की एक ही खास बात है कि मतलब दोनों पे सेम जो चीजें हैं वो हैं कि दोनों में ही गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स हैं तो इसका मतलब वो क्या हुआ कि जब भी ये स्पर्म और मतलब जो एग्स हैं वे कहाँ पे जाएंगे, डाइजेस्टिव कैविटी में जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं उनको देखो, इनको तो भूलना मत, एक भी मत भूलना जो मैं बताती जा रही हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ओबेलिया, ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है? सी फर। अच्छा, क्वेश्चन ये कैसे बनते हैं, आपसे एक क्वेश्चन इकाइडिनोडर्माटा के क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन लेते आएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी मतलब वर्टिब्रेटा के भी क्वेश्चन होंगे ना, और उसमें यहाँ से क्वेश्चन लेके चले आते हैं। तो ये जो नाम है, ये नाम की वजह से, जैसे सी का कोई फिश का क्वेश्चन बना, उसमें भी यहाँ से वर्ड्स चले आते हैं। तो इनको अगर आप याद रखते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलो देखो, यहाँ पर ओबेलिया को क्या कहते हैं? सी फर। फर क्यों कहते हैं? ओबेलिया को अगर आप देखो तो ये कैसा दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये ओबेलिया को देखो, ऐसा लग रहा है ना कि इसमें ढेर सारे मतलब एक पौधा है, पौधे जैसे बिल्कुल दिख रहा है ना, और उसमें कैसे हैं ढेर सारे शाखाएं दिख रही हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सी फर बोलते हैं। ठीक, तो ओबेलिया सबसे नहीं पूछा जाता, कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ओबेलिया को क्या कहेंगे? सी फर बोलते हैं ओबेलिया को। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है वह बनता है, ऑरेलिया को क्या कहते हैं? जेली फिश। ये बोल के जेली जैसा होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है ना वो जेली जैसा होता है। तो एक बार पूछता है क्वेश्चन में, ये पूछता है ना कि नीचे दिए गए में से कौन सा मछली नहीं है, कौन सा फिश नहीं है, उसमें जेली फिश दिया होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो जेली फिश ऑरेलिया को कहते हैं, और क्या है? सिलेंट्रॉन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछता है वो सी एनिमॉन का पूछा हुआ है, मेट्रिडियम एनिमॉन। एनिमॉन जब पूछता है, क्रैब वाले जब क्वेश्चन पूछता है ना कि इसमें से कौन सा क्रैब है, तो उसमें एनिमॉन को दे देता है। तो सी एनिमॉन जो है वह एक सिलेंट्रॉन है, इसको याद रखो। अगला देखो, अगला जो पूछता है, अच्छा मेट्रिडियम और एडेम्सिया दोनों को ही एनिमॉन कहते हैं। ठीक है, मेट्रिडियम और एडेम्सिया दोनों को क्या कहते हैं? एनिमान कहते हैं। उसके बाद अगला देखो, अगला क्वेश्चन बोलता है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया का मतलब होता है सी फैन। यहाँ पर ये जो देख रहे हो पंखे जैसी आकृति दिख रही है ना, वास्तव में एक कोरल ही है। क्या है? कोरल है। तो इसको क्या कहते हैं? गॉर्गोनिया। कोरल्स में जो आते हैं ना उनको मतलब इसका जो नाम है एंथोजोआ में आता है, या और इसे क्या कहेंगे? गॉर्गोनिया या सी फैन। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन बनता है सी पेन, पेनेट्यूला। पेनेट्यूला को क्या कहते हैं? सी पेन, सी पेन। ठीक है, रेनिला, रेनिला को सी पेंसीज कहते हैं। अच्छा, ये है बोर ब्लू कोरल। हेलियोपोरा, हेलियोपोरा को क्या कहते हैं? ब्लू कोरल कहते हैं। तो बस ये चार पांच नाम हैं जो पूछे जाते हैं इनसे, मतलब क्वेश्चन में बीच बीच में इनको दे दिया जाता है। अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो इनके नाम बीच में डाल देता है। और फाइसेलिया, फारसेलिया तो याद ही रख लेना, इसको पुर्तगालीज मैन ऑफ वार है ये। ठीक, तो इतना याद रख लो, बस इतना ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम अपने रियल वाले क्वेश्चन पे। तो शुरुआत करते हैं, सिलेंट्रेट्स डिफर फ्रॉम द अदर एनिमल द हैविंग। सिलेंट्रॉन्स में ऐसा क्या होता है कि यह दूसरों से अलग होते हैं? तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ सिलेंट्रेटा में नहीं पाया जाता, बाकी जीवों में भी, बाकी कई ऐसे जीव हैं जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। बाइलेटरल सिमेट्री अभी तक बनी नहीं है, अभी इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। तो स्केलेटॉन अभी तक है नहीं, तो निमेटोसिस्ट की वजह से यह बिल्कुल औरों से अलग होता है। और सबसे बड़ा निमेटोसिस्ट और सबसे छोटा निमेटोसिस्ट कौन सा होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हाइड्रा वाले चैप्टर में मैंने उसको बताया था। अगर सच में बेहतर तैयारी करना चाहते तो इसीलिए वो एक चैप्टर मैंने अलग से बनाया था। विच ऑफ द दिस इज नॉट ए सिलेंट्रॉन, नीचे दिए गए में से कौन सा है जो सिलेंट्रॉन नहीं है? तो जेली फिश सिलेंट्रॉन है, फाइशेलिया सिलेंट्रॉन है, सी एनिमॉन सिलेंट्रॉन है, सिल्वर फिश ये आर्थ्रोपोड में आ जाते हैं, सिलेंट्रॉन नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिलेंट्रेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। सिलेंट्रेट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
तो स्टिंगिंग सेल, इसमें कौन सी पाई जाती है सेल, जो होती है स्टिंगिंग सेल, ठीक है। इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन जो होता है वह ल्यूकोसोलिनिया की यानी पोरीफेरा की खास बात है। इनमें इंट्रा सेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों होता है, पहले एक्स्ट्रा सेल्युलर देन इंट्रा सेल्युलर। अच्छा एक चीज खास बात इनकी और, इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक काम कर रही हैं, जैसे कि यही स्टिंगिंग सेल निमेटोसिस्ट बहुत ज़्यादा एक साथ जब रहती है तो निमेटोसास्ट नाइडोब्लास्ट बनाती हैं, और यही नाइडोब्लास्ट एक साथ कई रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, बैटरी, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। तो ये सब एक साथ रहती हैं, तो क्या है ये टिश्यू लेवल है। अगला देखो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मैराइन हैबिटेट, टेंटिकल्स अराउंड द माउथ और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, नन ऑफ द एबव। तो इनकी जो खास बात है वह क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। इसके पहले वाले जीवों में गैस्ट्रो नहीं था, ठीक। तो ये क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनकी खास बात होती है। अगला, मेटाजेनेसिस आकस्मिक, मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है। मेटाजेनेसिस का मतलब है क्या, अलग अलग तरह की बॉडी, एक ही में अलग अलग तरह की बॉडी जो पाई जाती है, तो वो क्या है, मेटाजेनेसिस है। और मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है, ओबेलिया में पाया जाता है। ऑरेलिया के बारे में क्या बताया था, कि जो ऑरेलिया है इसमें मेड्यूसा फॉर्म जो है वह डोमिनेंट होता है। ओबेलिया में मेड्यूसा और पॉलिप दोनों पाया जाता है, हाइड्रिला हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप पाया जाता है। अगला, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर ये कौन सा है, अभी पीछे बताया था ना, फाइशेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्सर नहीं दिखता मुझे। अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ ए डैक्टिलोज्वाइट्स इन पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी इज। अच्छा फंक्शन ऑफ डैक्टिलोज्वाइट जो होते हैं, इनकी पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी जो बनती है इसमें इनका क्या काम है, तो इनका काम होता है ऑफेंस और डिफेंस का। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है, तो स्टेटोसिस्ट पाया जाता है ओबेलिया में। मेड्यूसा द रिप्रोडक्टिव स्टेज इज फाउंड इन, मेड्यूसा किस में पाया जाता है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्टेज है, तो हाइड्रा में तो पाया ही नहीं जाता है, और ये पाया किस में जाता है, ओबेलिया में, ठीक है। गोनार्ड्स ऑफ ओबेलिया अकर, गोनार्ड्स जो होते हैं ओबेलिया के वह किस में पाए जाते हैं, तो देखो जो गोनार्ड्स हैं ना वह मेड्यूसा फॉर्म में पाए जाते हैं, जो मेड्यूसा फेज होता है उसमें गोनार्ड्स पाए जाते हैं। और ये गोनार्ड्स कहाँ होते हैं, मैंने कहा था ना कि इनमें रेडियल कैनाल पाया जाता है, तो जो रेडियल कैनाल, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उसमें रेडियल कैनाल पाया जाता है, उसी रेडियल कैनाल में मेड्यूसा में पाए जाते हैं गोनार्ड्स। और ये भी पूछता है कि गोनार्ड्स की संख्या कितनी होती है, तो इनमें एक निश्चित नंबर होते हैं, नंबर होते हैं 4, 4 गोनार्ड्स पाए जाते हैं ओबेलिया में। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेंट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक ला इन सिलेंट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा इज, दो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक लार्वा कौन सा है, तो प्लेन्यूला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है इसमें, ठीक है। अगला देखो, साइफोजोइन मेड्यूसा आर मोर कॉमनली नोन, साइफोजोइन मेड्यूसा, एक सेकंड रुक जाओ मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं है। साइफोजोइन मेड्यूसा आर मोर कॉमनली नोन एज, तो इनको देखो जो जेली फिश है ना, जेली फिश, इस जेली फिश में पाया जाता है साइफोजोइन मेड्यूसा। अब मैं नहीं बताऊंगी कि जेली फिश किसे कहते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था ना, जो बीच में था हाइड्रोजोआ एंथोजोआ, इन दोनों के बीच में साइफोजोआ, साइफोजोआ के का एक जीव था जिसे क्या कहा गया था, जेली फिश। आप बताओगे कि उसका नाम क्या है, याद करो और पीछे बैक मत जाना, याद करके बताओ क्या नाम है उसका, ठीक है। जब याद, देखो एक नाम सुनो उसका दूसरा नाम याद रखो, तब भी आप याद कर पाओगे, बार बार रटने से नहीं याद होगा। इनका एक नाम सुना उसका तुरंत दूसरा नाम याद रखो। अगला देखो, ई फायरा इज द लार्वा ऑफ, अच्छा इफ्रा या ई फायरा जो भी मन करे सो पढ़ो, इफ्रा जो है ना वह लार्वा है ऑरेलिया का, ठीक। आंसर तो यही मैंने आपको बता दिया ऊपर वाले का, ठीक है। यह किसका लार्वा है, ऑरेलिया का। अच्छा दो लार्वा हैं इसमें, एक है ओबेलिया का लार्वा, प्लेन्यूला लार्वा, दूसरा है ऑरेलिया का लार्वा,
इफ्रा लार्वा, लेकिन ऑरेलिया में इफ्रा लार्वा के साथ साथ प्लेन्यूला लार्वा भी बनता है, इसीलिए सीलेंट्रेटा में जो प्लेनुला लार्वा है उसे कैरेक्टरिस्टिक लार्वा कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखो याद कैसे करोगे इसको, आई होप अच्छे से याद कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर जरूरत हो तो मैं बता दूँ। प्लेनुला, प्लेनुला मतलब एक वर्ड है इसमें ना, प्लान, ठीक है, और ओबामा, ओबेलिया में पाया जाता है, ठीक है, तो ओबामा, ओबामा, ओबामा ने प्लान किया, ठीक है, नाइट में ओबामा ने प्लान किया, नाइट में ओबामा ने प्लान किया, तो नाइट मतलब नाइटेरिया में, ओबामा मतलब ओबेलिया है और ओबेलिया में प्लेन्युला लार्वा है, ठीक है, नाइट में ओबामा ने प्लान किया और फिर गए, और फिर गए, और मतलब ऑरेलिया, AUR और होता है ना, और मतलब ऑरेलिया, और फिर गए इफ्रा, ठीक है, फिर मतलब फिरा, यहाँ पे फिरा PHYRA मतलब फिरा, और उसके आगे जोड़ लो इफ्रा, तो नाइट में ओबामा ने प्लान किया और फिर गए, इसमें नाइट नाइडेरिया के दोनों लार्वा आ जा रहे हैं और पता चल जा रहा है कौन किसका लार्वा है, ठीक है, ओबेलिया का प्लेन्यूला, ऑरेलिया का इफ्रा, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। टेंटा क्यूलोसिट्स इन ए जेली फिश हेल्पिंग, जेली फिश यानी कि ऑरेलिया, जेली फिश मतलब ऑरेलिया, इसमें जो टेंटाक्यूलोसिट्स है वह किस में हेल्प करता है, तो देखो टेंटाक्यूलोसिट जो है ना वह ऑरेलिया को हेल्प करता है बैलेंस बनाने में, जब मेड्यूसा को कहीं रुकना होता है, हमने क्या पढ़ा था जो साइफोजोआ है उसमें सिर्फ मेड्यूसा स्टेज पाई जाती है, तो जिसमें जो टेंटाक्यूलोसिट्स है वो क्या करता है बैलेंस बनाने में उनकी हेल्प करता है। अगला द जेनेरिक नेम ऑफ कॉमन जेली फिश इज, जो जेली फिश है उसका कॉमन नेम क्या है, अब बताना पड़ेगा क्या मुझे, नहीं बताऊंगी, जाओ अगला देखो। विच वन ऑफ दीजे नाइडेरियन, इसमें से कौन सा नाइडेरियन है, सी अर्चिन, सी एनिमान, सी हॉर्स, सी कुकुम्बर, अब यही जो क्वेश्चन बनता है ना, जब मैंने कहा था जब फिश के क्वेश्चन बनते हैं, सी हॉर्स एक फिश है ना, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है मुझे याद है, ठीक, और सी एनिमॉन, ठीक है, तो यहाँ पर जब सी 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 कई जगह रहे तो पता नहीं चलता, इसलिए याद कर लो सी एनिमॉन क्या है, नाइडेरिया है। अगला जेनरिक नेम ऑफ सी फर, फर मतलब जो फले फूले फर, ठीक है, और कौन फलेगा, फूलेगा जिसमें शाखाएं होंगी, और शाखाएं यानी ब्रांचेज किस में है, ओबेलिया में है, ठीक है, तो ओबेलिया। अगला क्वेश्चन ऑर्गेन पाइप कोरल इज, देखो ये पीसीएस में क्वेश्चन में आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है, ये लोग TGT में भी यह आया हुआ है, ये लोग दिए नहीं है यहाँ पे। ऑर्गेन पाइप कोरल, ऑर्गेन पाइप कोरल कौन सा है, तो ये जो ट्यूबीपोरा है ना, ट्यूब, ट्यूब मतलब पाइप, ट्यूब मतलब पाइप, तो ट्यूबीपोरा का मतलब क्या है, इसमें ऑर्गेन पाइप है ये। अगला द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा, जो मूंगा जो क्या मंगल ग्रह अगर किसी पर हावी हो तो मूंगा पहनते हैं ना, पंडित जी लोग बताते हैं मूंगा पहन लो ठीक हो जाओगे, तो रेड कोरल मूंगा रियल में क्या है, बेचारा है उस जीव भी ना, ठीक है, तो यह है कोरैलियम रबरम, ठीक है, कोरैलियम रबरम, इसको क्या कहते हैं, रेड कोरल मूंगा, रबरम, रेड, रबरम, रेड। अगला देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, तो देखो जो बाई रेडियल सिमेट्री है ना वह पाई जाती है सी एनीमोन में, और सी एनीमोन किसे कहते हैं हम नहीं बताएंगे, हमने पीछे बताया था, आगे बढ़ो। ठीक, अगला देखो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कोरल, सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल क्या है, तो सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल है एल्सियोनियम, एल्सियोनियम, एल्सियोनियम क्या है, सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल है, सॉफ्ट कोरल का एग्जाम्पल क्या हुआ, एल्सियोनियम, एल्सियोनियम, बोलते रहो मेरे साथ, जब बोलोगे ना तो फिर याद होगा, बोलने से याद होता है। अगला देखो कोरल आर मोस्टली फाउंड इन द वार्म पार्ट ऑफ, जो कोरल हैं वो मोस्टली कहाँ, जहाँ पानी गर्म है, ये ना बहुत अंदर नहीं पाए जाते, यह तल पर पाए जाते हैं एकदम, तो मतलब पास में पाए जाते हैं, जमीन के पास में, और बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो ये मोस्टली फॉर्म द वार्म पार्ट, वार्म पार्ट ऑफ कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में। अगला मेड्यूसाइड स्टेज इज कम्प्लीटली अब्सेंट, कम्प्लीटली अब्सेंट होता है, किस में अब्सेंट होगा, तो मेड्यूसा किस में नहीं पाया जाता था, एंथोजोआ में,
एंथोजोआ में क्या था, मेड्यूसा बिल्कुल ही नहीं पाया जा रहा था, और मेड्यूसा नहीं पाया जा रहा था तो उसका ऑप्शन उसमें क्या था, एनीमॉन था ना उसमें, मतलब एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, एनीमॉन, और एनीमॉन को कहते हैं मेट्रिडियम, मेट्रिडियम, ठीक है, एनीमॉन को क्या कहते हैं, मेट्रिडियम। तो इसमें कंप्लीटली मेड्यूसा स्टेज नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, अ कोरल आइसलैंड विथ ए सेंट्रल सॉलो लैक इज नोन एज, जहाँ पर कोरल पाए जाए, कोरल का आइसलैंड पाया जाए, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हो जहाँ कोरल की, उसे क्या कहेंगे, तो बोलो इसको क्या कहेंगे, मैंने अभी नाम सबसे पहले बताया था ना, कोरल रीफ, कोरल रीफ जो नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, हाइड्रा इज, हाइड्रा क्या है, तो ये क्या है, हाइड्रा का क्या है, फ्रेश वाटर, डिप्लोबास्टिक और रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव स्कैटर्ड सेल विद सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैंने कल भी कराया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव स्कैटर्ड सेल्स, जिसमें सेल बिखरी होती हैं, विद सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेल टिश्यू ग्रेड पाया जा रहा है, ऐसे कौन सा जीव है, तो है हाइड्रा। एन एनिमल विच इज डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक है और रेडियल सिमेट्रिकल है, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा बताओ, स्पॉन्जिला, बिल्कुल नहीं होगा, स्पॉन्जिला तो इसमें है ही नहीं अभी तक, एस्कैरिस बिल्कुल नहीं होगा, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटाफायर ये भी नहीं है, तो कौन सा होगा, मेंड्राइना, ठीक। अगला, हाइड्रा इज फाउंड इन, हाइड्रा कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, किस पानी में पाया जाएगा, ये बताओ मुझे जल्दी बताओ, मैं इसे बता चुकी हूँ, ठीक है, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, ठीक है। अगला देखो, एन एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टनर इन रिप्रेजेंटेड बाई, ऐसे म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनर कौन से हैं, हाइड्रा के साथ रहता है वो, और इसकी वजह से उसका, हाइड्रा का नाम ग्रीन हाइड्रा है, ठीक है, तो कौन है, जू क्लोरेला और हाइड्रा। अच्छा एक चीज, एक चीज सुनो सुनो सुनो, देखो इसी ऑप्शन में एक जगह है, एक नाम लिया लिखा हुआ है, ओ तुम मुझे बताओ हाइड्रा का फेवरेट फूड क्या है, हाइड्रा का फेवरेट फूड क्या है, इसी में लिखा हुआ है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, मुझे पता चल जाएगा कितनों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, देखते नहीं हो तुम लोग वीडियो, ना तो शेयर करते हो। जब अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन हाइड्रा, कौन सा प्रोसेस हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो कि हाइड्रा में नहीं पाया जा रहा है, तो है मैटिंग, एक ही तो है, एक ही में वह उसके क्या है, टेस्टिज और ओवरी दोनों ही एक ही में है, तो इसमें मैटिंग नहीं पाई जाती है। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेज बाई बडिंग, हाइड्रा में क्या होता है, रिप्रोड्यूस बाई बडिंग कब, सॉरी, हाइड्रा बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन कब करता है, ठीक है, तो जब खूब ढेर सारा इसको खाना मिल जाए ना, मतलब सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां हो, अनुकूल, देखो इस जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, भरपूर भर पेट इसको खाना मिल जाए, ठीक है, भरपूर खाना हो वही अनुकूल परिस्थिति है, इसको कौन सा टीजीटी का एग्जाम देना है, तो प्लेंटी ऑफ फूड जब अवेलेबल हो तो फिर ये क्या करता है, बडिंग करता है, और जब ऐसा हो कि जब टाइम चेंज हो रहा होता है, जैसे बसंत का जब समय आ रहा होता, गर्मी बढ़ रही होती, उस समय यह क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। टेस्टीज आर लोकेटेड इन द हाइड्रा एक्ट, तो देखो जो टेस्टीज होती है हाइड्रा की, वो कहाँ होती है, ऊपर, अगर मान लो ऐसे हाइड्रा है, ठीक है, इसको लेने का यही मतलब भी था इस पेज को, कि यहाँ पर ऊपर टेस्टीज पाई जाती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज नंबर ऑफ होती हैं, और ओवरी एक से दो होती है, ओवरी सिंगल होती है, समटाइम्स ओवरी सिंगल ही होती है कुछ हाइड्रा में, ठीक है, तो नीचे क्या है, हाइड्रा में ओवरी है और ऊपर क्या है, टेस्टिज है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, उसको डिस्टल हाफ बोलते हैं, ठीक है, तो इसको कहाँ पे टेस्टिज पाए जाते हैं, डिस्टल हाफ में। टेस्टिज आर फॉर्म्ड इन हाइड्रा फ्रॉम, ये बनते कैसे हैं, तो एपिथेलियो मस्कुलर सेल से ये बनते हैं, नहीं ऐसे नहीं बनते, ये इंटरस्टीशियल सेल से बनते हैं, रिप्रोडक्शन जहाँ भी होगा वो कहाँ से होगा, इंटरस्टीशियल सेल से होगा। अगला, ओ साइड्स ऑफ हाइड्रा इज डेराइव्ड फ्रॉम, ओ साइड्स जो होते हैं हाइड्रा के,
वह कहाँ से डिराइव होते हैं, मतलब कहाँ से निकल रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ऊ सिस्ट है तो ऊ सिस्ट बनने के लिए उगोनिया की जरूरत पड़ती है, तो उगोनिया से। अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेंट्रेट, कौन सा है इसमें सिलेंट्रेट है, तो जहाँ पेन चलेगा वहाँ पे वो सिलेंट्रेटा होगा, सिलेंट्रेटा पेन। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेंट्रेट, इसमें से कौन सा सिलेंट्रेट नहीं है, तो सी पेन सिलेंट्रेट है, सी फैन भी सिलेंट्रेट है, सी लिली, सी एनिमॉन में देख लो तो सी एनिमॉन भी सिलेंट्रेट है, लेकिन सी लिली सिलेंट्रेट नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडम्सिया एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। एडम्सिया क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानना है। इट इज ए पैरासाइट, नो। इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज, बिल्कुल एक कॉमन सेलिज का एग्जाम्पल है। इट इज कॉल्ड सी एनिमॉन, तो एडम्सिया को सी एनिमॉन कहते हैं। इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रैब, नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, दूसरा और तीसरा सही होते, ऑप्शन नंबर बी। सेवरल बर्ड्स में अकर इन ए सिंगल मदर हाइड्रा एट ए टाइम, देन द ओल्डेस्ट बर्ड इज एट द ओरल रीजन, ओल्डेस्ट बर्ड ओरल रीजन पर बनेगा। जैसे इसमें ये कह रहा है ना कि जब हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है, तो बहुत सारे बर्ड निकलते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला बर्ड सबसे पुराना है, यही पूछ रहा है। तो इसका देखो इसमें क्या कह रहा है, द ओल्डेस्ट बर्ड इज एट द ओरल रीजन, जो ओरल रीजन है यहाँ पर जहाँ इसका माउथ है ना, हाइपोस्टोम जहाँ पे है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो बता ही रहा है कि जो ओल्डेस्ट बर्ड होगा वो कहाँ पे होगा, ओरल रीजन पे। अगला, द वन टू आर द एबोरल एंड इज ओल्डर, एबोरल एंड का मतलब होता है सबसे नीचे वाला पार्ट। अच्छा, जब कोई चीज़ एक क्या होता है, मैंने कल बताया था कि जो सेल्स हैं ना, जहाँ से इनका निर्माण होता है, जहाँ ये बनती हैं, वे सेल्स ऊपर पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं, ऊपर पाई जाती हैं। तो और ये करती क्या है, जैसे जैसे नए सेल का निर्माण करती हैं, नीचे वाली सेल को ये धक्का देती जाती हैं, और जब सबसे नीचे वाली सेल होती है वो टूट के गिरती चली जाती है। तो इस तरह से हर 45 दिन में हाइड्रा अपने पूरे रूप को परिवर्तित कर चुका होता है, मतलब इसमें हर 45 दिन पे पूरी नई सेल आती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि हाइड्रा अजर अमर है, हाइड्रा कभी नहीं मरता, ठीक है। तो इसकी जो इस्टिशियल सेल्स हैं वे यहाँ पर पाई जाती हैं ऊपर की तरफ। तो जब सबसे पुराना वाला बर्ड होगा वो कहाँ होगा, नीचे आ चुका होगा। जो सबसे पुराना वाला बर्ड होगा वो कहाँ होगा, नीचे आ चुका होगा। सेवरल बर्ड्स में अकर इन ए सिंगल मदर हाइड्रा एट ए टाइम, द ओल्डेस्ट बर्ड इज ओरल रीजन, नो, द एबोरल एंड इज ओल्डर, यस, ऑल आर इक्वल, नो, यंगर वन इज एट एबोरल रीजन, नो। अगला क्वेश्चन, इन सिलेंट्रेट्स द माउथ ऑफ मेड्यूसा इज लोकेटेड ऑन, सिलेंट्रेट में जो माउथ होता है मेड्यूसा का वो कहाँ पर होता है, तो वो मैनुब्रियम में होता है। यहाँ पर जब मैंने ऐसे बताया ना कि ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पर मैनुब्रियम होता है, यहाँ मैनुब्रियम में क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। द क्लास ऑफ सिलेंट्रेट विच एग्जिबिट द पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है, तो देखो जो हाइड्रो जो है उसमें डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, ठीक, जो डाइमॉर्फिन पाया जाता है समटाइम्स, इसमें वो भी पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिन पाया जाता है समटाइम्स, ट्राईमॉर्फिन भी पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें साइफोजोआ की, तो साइफोजोआ में सिर्फ मेड्यूसा पाया जाता है, और अगर हम एंथोजोआ की बात करें तो उसमें सिर्फ पॉलिप ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाइड्रोजोआ कहाँ गया सर, अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजोआ इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिलेंट्रेट्स बाय, हाइड्रोजोआ को अदर सिलेंट्रेट से अलग कैसे कर सकते हो, नॉन सेलुलर मेसोग्लिया पाया जाता है। बस यहीं से पता चल गया कि इसमें क्या है, नॉन सेलुलर मेसोग्लिया है, तो बस ये सही है। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं वो सब में पाई जाती हैं डेवलपमेंट, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती हैं उन्हीं से बाकी सभी सेल्स का निर्माण होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ये सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सब में पाई जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स फ्रॉम एक्टोडर्म, तो देखो ये भी खास बात है, इसकी डेवलपमेंट जो है गोनाड्स का वह एक्टोडर्म पे हो रहा है हाइड्रोजोआ में। अब्सेंस ऑफ गोनोडक्ट, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें नॉन सेलुलर मेसोग्लिया की, तो ये दोनों ही खास बातें हैं, तो यार ऑप्शन में इसको दे कैसे दिया है, क्योंकि बाकी दोनों में तो एंडोडर्म में ही होता है,
तो देखो मोस्टली इसका जो ऑप्शन, जब दो ऐसे ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। जब ऐसा हो, देखो या तो ऐसा होगा कि इनके साथ ए बी करके कुछ दिया होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला ऑप्शन सही होता है उसी को टिक करते हैं। तो इसमें नॉन सेलुलर मीन्स जो क्लिया जो है इसकी खास बात होती है हाइड्रोजोआ की। वैसे जो है डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स फ्रॉम एक्टोडर्म, ये भी यहाँ पे सही है, क्योंकि बाकी जो है साइफोजोआ या फिर एंथोजोआ, उन दोनों में गोनाड्स कहाँ हैं, अंदर पाए जा रहे हैं। अगला देखो, हाइड्रा रिसीव्स स्टिमुलाई थ्रू, हाइड्रा जो स्टिमुलाई मतलब पता चलता है उसको कि जैसे स्टिमुलस उसको जो मिलते हैं कि कहीं कुछ है, जो सेंस मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, तो वे उसको मिलते हैं इसके सेंसरी सेल से। अच्छा, इसमें नर्व नेट पाई जाती है, ब्रेन नहीं पाया जाता, हेड नहीं पाया जाता, लेकिन पूरी बॉडी में नर्व सेल्स पाई जाती हैं और मिल के बनाती हैं, एक नेट का निर्माण करती हैं, इसीलिए इसको नर्व नेट कहते हैं। सबसे प्रिमिटिव टाइप का नर्व सिस्टम कहाँ पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द कलरलेस हाइड्रा, कलरलेस हाइड्रा का नाम क्या है, वही जो अपना वाला है सबसे सिंपल वाला, हाइड्रा क्या, हाइड्रा वल्गैरिस, ये कलरलेस है, ठीक है। अगला, द माउथ ऑफ हाइड्रा इज ओपन बाय द केमिकल इन्फ्लुएंस ऑफ, किसकी वजह से ये घूमता है। तो जैसे जो शिकार इसके पास आता है ना, मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि इसका फेवरेट फूड क्या है, इसका जो फेवरेट फूड है, नाम मैं नहीं बताऊंगी, उसका आंसर भी उसी में था। तो उसके फेवरेट जो इसका फूड है ना, मतलब जो जीव है वह क्रस्टेशियन है, आधा बता दिया मैंने, क्रस्टेशियन में ग्लूटाथियोन का सिक्रेशन करते हैं वे, और इसको ग्लूटाथियोन की महक बहुत पसंद है, तो जिसमें से ग्लूटाथियोन की महक आए उसको ये खा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास एंथोजोआ, एंथोजोआ से इसमें कौन बिलोंग करता है, तो जल्दी से बता दो इसमें कौन बिलोंग करता है एंथोजोआ से, फंजिया। आगे बढ़े, इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द लार्वल स्टेज। अब देखो ऑरेलिया की बात कर रहा है, ऑरेलिया में जो मेन लार्वा है वह तो है इफिरा, ठीक है, लेकिन साथ ही इसमें प्लेन्यूला लार्वा भी पाया जाता है। जब प्लेन्यूला लार्वा भी पाया जा रहा है तो इफिरा कब बनता है, ये बात हो गई ना। जैसे कि ओबेलिया में तो सिर्फ एक ही लार्वा है, प्लेन्यूला लार्वा, लेकिन इसमें प्लेन्यूला लार्वा मेन लार्वा नहीं है, तो पहले प्लेन्यूला बनेगा, इसके बाद साइफोस्टोमा बनेगा, और उसके बाद जो लास्ट लार्वा बनता है वह होता है इफिरा लार्वा, और इसीलिए इफिरा लार्वा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, नाइडोब्लास्ट इज फाउंड, नाइडोब्लास्ट किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है हाइड्रा में, जितने भी नाइडेरियंस हैं सब में पाया जाता है। द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला पॉसेजेज स्पेशलाइज स्टिंगिंग सेल्स हैविंग पॉइजन फिल्ड बार्ब थ्रीड्स, सब मिला जुला के कहें तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फाइला है जिसमें स्पेशलाइज स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं और उसमें पॉइजन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है हिप्नोटॉक्सिन, और हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, किसको करता है, अपने शिकार को, और ये किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, हाइड्रा में मैंने इसको पढ़ाया है। आगे देखो, विच इज द रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इसमें रॉन्गली मैच किया गया है, तो यूग्लेनाइडी, मायोनिम्स, सीडियोफोरा, एक्जोनिम्स, एनेलिडा, नोटोपोडिया, नाइडेरिया, पैरापोडिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, ठीक है, मतलब दे दे रही हूँ आंसर। इसमें जो नाइडेरिया है ना, उसमें पैरापोडिया नहीं पाया जाता है। अच्छा, पोडिया का मतलब जहाँ भी देखो, जहाँ भी पोडिया है तो क्या मतलब है, उसके चलने के लिए, ठीक है, जो चलने वाले अंग हैं उसी को तो पोडिया कहेंगे ना, तो नाइडेरिया में पैरापोडिया नहीं पाया जाता। लेकिन मैं इसका आंसर आपको तब देना चाहती थी कि जब बाकी सब मैं आपको जब पढ़ाऊँ तो फिर वो बेहतर आप समझ पाएंगे। आगे देखो, ये आपको ये पेज थोड़ा सा कम क्लियर है तो देख लेते हैं, फिर भी आप मुझे सुन लो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हाइड्रा, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, तो नाइडोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, नर्व सेल, एपिथेलियो मस्कुलर सेल, तो एपिथेलियो मस्कुलर सेल पाया ही जाएगा, नर्व सेल पाया ही जाएगा, नाइडोसाइट्स पाया ही जाएगा, नाइडोसाइट्स और कोइनोसाइट्स के दो की बातें हैं, तो इसमें देखो नाइडोसाइट्स तो पाया ही जाता है, कोइनोसाइट्स नहीं है। इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट हर मैक्सिमम, और इसको छोड़ ही दो इस पेज को, आगे बढ़ते हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। सी फैन बिलोंग्स टू, सी फैन किससे बिलोंग करता है, तो मैंने कहा था ना ये कोरल है, फैन जैसा है, फैन का मतलब क्या है कि ये स्ट्रांग है,
स्ट्रांग है मतलब कि बिल्कुल एक जगह पे स्थिर है। अगर कोई पंखा हो और वह लूज हो, ठीक है बिल्कुल लूज हो, तो क्या आप उसे फैन करोगे तो हवा लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो फैन है कि मतलब ये टाइट है, और टाइट होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट किस में होता है? एंथोजोआ में होता है। तो एंथोजोआ अभी यहाँ तो बिल्कुल ईजी है, सिलेंट्रेटा से ही बिलोंग करता है। एंथोजोआ किसका है? सिलेंट्रेटा का है। अगला, द नर्व नेट ऑफ हाइड्रा लैक्स। नर्व नेट जो होता है हाइड्रा में, उसमें क्या नहीं होता है? तो जो नर्व नेट होता है ना, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब कोई पूरा चारों तरफ से ना एक सब जुड़ा हुआ है, और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ से कहाँ पर जाएगा। ठीक। अगला, पॉलीफेज इज अब्सेंट इन। पॉलीफेज किस में अब्सेंट होता है? तो पॉलीफेज किस में अब्सेंट होगा? साइफोजोआ। ठीक है, साइफोजोआ में क्या है? पॉलीफेज नहीं है। और साइफोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? ऑरेलिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाई रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नाइडोब्लास्ट। बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती हो और उसमें नाइडोब्लास्ट नहीं पाया जाता हो, यह किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, तो देखो, ऑरेलिया में और पैरामीशियम, बाई रेडियल सिमेट्री। पैरामीशियम में बाई रेडियल सिमेट्री है क्या? ठीक है, नहीं है। बाई रेडियल सिमेट्री कहाँ पाई जाती है? स्टार फिश में पाई जाती है और सी एनीमोन में। ठीक। तो अच्छा, इसके बाद रेडियल सिमेट्री, स्टार फिश में भी रेडियल सिमेट्री, पैरामेशियम में नो सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद हाइड्रा रेडियल सिमेट्री, तो इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा सही होगा? टेनोफोरा और बिरियो। इसमें क्या होता है, टेनोफोरा के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। वह हाइड जो नाइडेरिया के बाद जो अगला फाइलम होता है ना, वो टेनोफोरा का होता है। ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 131, यहाँ कहाँ गया? ये तो कर्सर गुम हो जा रहे हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग आर द फीचर्स एसोसिएटेड विथ नाइडेरिया। कौन सा नाइडेरिया के फीचर्स हैं वो बताओ? रेडियल सिमेट्री पाई ही जाती है, प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी पाई जाती है। एनिमल्स आर इन आइदर ऑफ टू फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा और बॉथ, ये भी है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन देयर हिस्ट्री, बिल्कुल ये भी है। ओबेलिया में पाई जाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सबसे ज़्यादा, लेकिन देखो इनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ना, वो ट्रू नहीं होती है। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाई जाती, लेकिन शुरुआत हो चुकी है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। जैसे फंजाई में है ना, उसमें ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मेड्यूसा जो होता है वह भी डिप्लॉयड होता है, और जो पॉलीफॉर्म होता है वह भी डिप्लॉयड होता है। जबकि अगर यह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता तो क्या होता? एक जो फॉर्म होता वह हैप्लॉयड होता है, दूसरा डिप्लॉयड होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1, 2, 4 मतलब फीचर्स विद नाइटेरिया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो देखो, निमेटोसिस्ट नाइडेरिया में पाया जाता है, कोलोब्लास्ट टेनोफोरा में पाया जाता है, ट्राइकोसिस्ट राइजोपोडा में पाया जाता है, कोइनोसाइट स्पोरीफेरा में पाया जाता है। तो निमेटोसिस्ट इसमें पाया ही जाता है, और कोलोब्लास्ट टेनोफोरा में पाया जाता है, ट्राइकोसिस्ट राइजोपोडा में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाई, पेंसेटेड कंपनसेटेड बाई अब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है तो क्या है फिर उसमें? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसकी जगह पे इसमें क्या पाया जाता है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जहाँ पे ये कंप्लीट होता है। विच वन इज मिसमैच्ड, इसमें कौन सा मिसमैच है? ओबेलिया, सी वाटर, फाइशेलिया, सी वाटर, हाइड्रा वल्गैरिस, फ्रेश वाटर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रा कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। आगे देखो, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला क्वेश्चन 135, नाइडोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा। नाइडोब्लास्ट जो होता है वह हाइड्रा का वह कैसा होता है? बहुत ही सिंपल होता है। कैसा होता है? बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो सेंसरी नहीं होता है, उसके लिए इसमें नर्व नेट है,
ठीक है। और इसके बाद निमेटोसाइस्ट अपर्चर इसमें पाया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होता है, सेंसरी भी नहीं होता है। तो फिर ऑप्शन नंबर सी, इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन, निमेटोसिस्ट हाइड्रा में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है निमेटोसिस्ट? निमेटोसिस्ट का काम क्या है? सबसे पहले ये बता दो मुझे, निमेटोसिस्ट का वर्क क्या है? अपनी रक्षा, दूसरों को मारना, चलना फिरना, चलना फिरना नहीं, अपनी रक्षा, दूसरों को मारना, बस इतना ही है। तो ये काम ये कहाँ से कर सकता है? बाहर से। और इसके लिए इसको कहाँ रहना पड़ेगा? बाहर। तो कहाँ पाया जाएगा? इपिडर्मिस में। अगला, द जेली फिश इज क्लासिफाइड अंडर द फाइलम, जेली फिश को किस फाइलम में रखा गया है? नाइडेरिया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिज ए हार्ड एक्जो स्केलेटन फॉर्म बाई कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से अगर बना है तो किस में होगा? एंथोजोआ का है, सीधी सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है तो कहाँ का होगा? एंथोजोआ का। और एंथोजोआ में ऑरिलिया तो आता नहीं है, फाइशेलिया बिल्कुल भी नहीं आता है, बड़े टाइट जो होते हैं ना वही आएंगे इसमें। और कोरल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोरलियम, या इसमें कोरल वर्ड भी है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, क्या है जो वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता? तो नाइडोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज शोन बाई ब्लाइंड सैक बॉडी, ब्लाइंड सैक बॉडी किस में पाई जाती है? तो ये सीलेंट्रेट्स की खास बात होती है कि इसमें सिर नहीं पाया जाता है, तो ब्लाइंड सैक बॉडी है इसमें। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है? हाइड्रा में और उसी तरह से नाइडेरिया में। तो हाइड्रा किस में है? नाइडेरिया में। इसलिए द डायोसियस एनिमल इज, डायोसियस एनिमल कौन सा है? डायोसियस एनिमल है ऑरिलिया। डायोसियस क्या है, मोनोसियस क्या है, मैं बता चुकी हूँ। कॉम्ब प्लेट्स आर फाउंड इन, कॉम्ब प्लेट किस में पाई जाती है? तो प्लूरो ब्रांचिया में पाई जाती है कॉम्ब प्लेट। अगला क्वेश्चन, इन विच एनिमल बॉथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अगर, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाता है? तो सभी नाइडेरिया में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक। अगला, लूपिंग एंड सम रस्टलिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन आर सीन इन, देखो जब धीरे धीरे चलेगा लूप की तरह, जब जल्दी चलना होगा तो समर लास्टिंग की तरह चलता है, बहुत तेज जब चलना होता है तो समर लास्टिंग की तरह चलता है, और कौन चलता है? हाइड्रा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से मिलाना है और करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो अब आप मुझे बता दो सीधा सीधा, मैं इसको आपको बता चुकी हूँ, एनीमोन, सी एनीमोन किसे कहते हैं? सी एनीमोन, शुरुआत करेंगे सी एनीमोन, तो सी एनीमोन किसको कहते हैं? मेट्रिडियम को, और मेट्रिडियम इसमें दिया नहीं है तो फिर एडेम्सिया को, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सी एनीमोन किसको कहते हैं? एडेम्सिया को। दूसरा, उसके बाद आता है सी फैन, जो आता हो पहले उसको करेंगे सी फैन। सी फैन किसको कहते हैं? जॉर्जोनिया को, जॉर्जोनिया को, क्योंकि ऐसे आपने, मैंने फोटो उसकी इमेज दिखाई थी ना, जॉर्जोनिया ऐसे पत्ते की जैसे बनी हुई थी ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे? सी फैन। पुर्तगालीज मैन ऑफ वार, इसको भी पता ही होगा, फाइशेलिया को कहते हैं। अब कौन बच गया? कोरल, ये कौन सा बच गया? ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल किसे कहते हैं? मीन ड्राइना को। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा कितने होते हैं? तो 6 से 10 होते हैं, नहीं दिया है तो फिर 8 होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेंट्रेट, इसमें से सिलेंट्रेट कौन सा है? फाइशेलिया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लैक एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इसमें गैस्ट्रो वैस्कुलर सिस्टम तो है लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, गैस्ट्रो इपिथेलिया सिस्टम है ना, तो इसके बाद देखो ये किस में नहीं है, तो ये नहीं होता है सिलेंट्रेटा में, यानी जेलीफिश में। सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बॉथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पेसीज, ये नाइडेरिया होते हैं जिसमें क्या होता है? टेनोफोरा तो मैराइन ही है, जिसमें नाइडेरिया वे हैं जिसमें कि फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं और मैराइन एनिमल भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन इज द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ए सेल वाल, सेल वाल नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? तो सी फैन में सेल वाल नहीं पाया जाता है। अगला, अभी लास्ट पेज हमारा चल रहा है लग रहा है, नहीं अभी है और भी होगा।
फंक्शनल सिस्टम फॉर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट सीन इन फंक्शनल सिस्टम। स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन किस में नहीं पाया जाता है? अभी तो बेचारे में धीरे धीरे विकास हो रहा है ना, अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो सीलेंट्रेटा है जिसमें अभी बस टिश्यू बना हुआ है, ऑर्गेन बना ही नहीं है अभी। और ये टिश्यू भी अभी सेल टिश्यू कहेंगे इसको, पूरी तरह से टिश्यू नहीं है, सेल टिश्यू है, क्योंकि इसका काम कुछ सेल के जैसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रहा है। सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर तो हो नहीं रहा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रहा है और एक्स्ट्रा भी हो रहा है। इसलिए इसको क्या फंक्शनल सिस्टम इसका अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीलेंट्रेट्स इज और रॉन्ग? तो इसमें से कौन सा गलत होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसको सर्कल कर लो, जब भी करना हो तो रॉन्ग कौन सा है हमें बताना है, तो ढूंढो इसमें गलतियां कहाँ हैं। नाइलोसिस्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड ऑन द बॉडी, टेंटिकल पे ही पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे पाई जाती हैं? टेंटिकल पे पाई जाती हैं, बॉडी पे तो पाई ही नहीं जाती हैं। अगला, डिप्लोब्लास्टिक विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक विद यहाँ पर टिश्यू लेवल होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ पर ये भी नहीं हुआ। अब दूसरा, पॉलीफॉर्म्स आर फ्री स्विमिंग, बिल्कुल नहीं। जो मेड्यूसा होता है वह फ्री स्विमिंग होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत हो गया। चौथा, एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस तो पाया ही जाता है। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्चुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप इज एक्चुअली, तो बिल्कुल ही गलत है। पॉलिप जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा को, और मेड्यूसा फॉर्म करती है पॉलिप को, ठीक है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा गलती है इसमें। तो पहला, दूसरा, इसमें देखो, पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को, और मेड्यूसा क्या होता है? सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सेक्सुअल पार्ट है इसका, ऐसे करो, ठीक है। और मेड्यूसा फॉर्म करता है पॉलिप, ए सेक्सुअल, यहाँ पे कॉमन लगेगा ना, तब सही होगा। अब सही है, जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल होता है, मतलब ए सेक्सुअली फॉर्म करता है, यानी कि क्या फॉर्म करेगा, यहाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा, और मेड्यूसा में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और पॉलिप किसको फॉर्म करता है? मेड्यूसा को। और मेड्यूसा किसको फॉर्म करती है? पॉलिप को। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सी, वन टू एंड थ्री तीनों ही गलती है, और कोई ऑप्शन में है नहीं, ठीक। अगला देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से एक को पता करना है जो अलग है सबसे, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको सबसे अलग कौन सा है, एडेम्सिया, एक कहाँ गया फिर से, हाँ एडेम्सिया, एक क्या था, एक एंथोजोआ, फाइसेलिया क्या था, सॉरी, हाँ एडेम्सिया, एंथोजोआ, फाइसेलिया क्या था, ये क्या है फाइसेलिया, फाइसेलिया क्या है, सिलेंट्रेटा, और एस्ट्राई, ये भी सिलेंट्रेटा, प्लूरोब्रांचिया, ये सिलेंट्रेटा का नहीं है। अगला, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्चुअल एंड सेक्चुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक। अगला, तो फिर आगे क्या बढ़े, जब इतना भी सही मिल ही गया, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है उसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। और मॉर्फिज्म, दो चीज़ें हैं, एक तो मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसी की वजह से क्या होता है, डाईमॉर्फिज्म, ठीक है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो किसकी वजह से हो रहा है? मेटाजेनेसिस की वजह से ही हो रहा है। दिस इज नॉट ए नाइडेरियन, इसमें से कौन सा है जो नाइडेरिया नहीं है? तो ओबेलिया, सी एनिमोन, जेलीफिश, ये तीनों ही क्या है, नाइडेरिया है। बिरोय, ए क्या होता है इसमें, बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और ये नाइडेरिया नहीं है। इट एम्प्लॉयज बॉथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, किसमें पाया जाता है बताओ, इंट्रा सेलुलर और, इट एम्प्लॉयज बॉथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो ये किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है ना, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।